वर्कशीट नंबर 11 में हम लोग सीखेंगे कुछ डिफरेंट एंगल्स के बारे में, 18, 36, 54, 72 के बारे में. देखो हम लोगों को अब 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालनी आती है भाई. पहले से टेंथ में ही आपको आती थी 0 की, 30 की, 45, 60 और 90 आते थे. फिर जब हमने a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले सीखे तो a माइनस बी में 45 माइनस 30 करने से हमें क्या मिला, 15 मिल गया था, और 45 प्लस 30 करने से हमें 75 भी मिल गया था. तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 15 के टेबल की वैल्यूज आ गई थी, 15, 30, 45, 60, 90, 75 सब. अब एक वैल्यूज और होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं 18, 36, 54, 72, और अगर इसके बाद देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 90 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास में है. अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी सीखनी है. तो आप देखो सबसे पहले हम 18 पर फोकस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आ जाता है. थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, पर 18 डिग्री की वैल्यू तो हमें निकालनी आती नहीं. तो हमने क्या करा, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करा. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा. अब ये सोचा भाई 5 थीटा तो ठीक है, पर 5 थीटा के फॉर्मूले तो हमारे पास है नहीं. हमारे पास फॉर्मूले किस किस के हैं, 2 थीटा के और 3 थीटा के. 3 के भी तो है, 4, 3. तो अब देखो हमने इसे क्या लिखा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा किसके इक्वल आया, 90 के. तो देखो 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा. ठीक है, अब 90 माइनस 3 थीटा लिखा, दोनों साइड हमने साइन लिया. साइन इसलिए लिया क्योंकि हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू पर. ओके, हमने दोनों साइड साइन लिया तो ये बन गया साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. इधर आपके पास पहले से है साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा के साथ कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. ठीक है, आप देखिए कॉस थीटा से सबको डिवाइड कर दिया तो आया हमारे पास 2 साइन थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3. ठीक है, अब 0 इक्वल टू आ गया 4. हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 18 की चाहिए, तो इसलिए हमने कॉस को भी कन्वर्ट किस में कर लिया, साइन में कर लिया. तो अब देखें क्या बन गया, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3, और ये आ गया 2 साइन थीटा. 4 साइन थीटा को इधर लाए स्क्वायर वाले को तो आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आ गया 2 साइन थीटा. 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, इधर आके हो गया माइनस में. ठीक है, अच्छा थीटा कितना माना है हमने, 18. तो है तो आपके पास में ये 2 साइन 18 ही, तो हमें वैल्यू साइन थीटा की चाहिए. सही बात है. अब साइन थीटा मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को मैं एक्स लिख लेता हूँ. तो अगर मैं इसे एक्स लिखूंगा तो हमारे पास बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, अगर ना हो रहे हो तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी होता है. तो डिस्क्रिमिनेंट ही लगेगा क्योंकि मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं रही, और वो इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अब x नहीं था, था क्या, वो साइन थीटा. तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस, और यहाँ से 16 और 4 मिलकर हो गए 20 अपॉन में आ रहा है 8. आप देख सकते हैं ये जो 20 है इसे आप 2 × 2 × 5 लिख सकते हो, अपॉन में आ रहा है 8. ये 2 2 का पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा. तो आपके पास में आ जाएगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस
टू रूट फाइव अपॉन एट, ऊपर से टू कॉमन लिया तो आया माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन एट, तो ये कैंसिल हुआ फोर आया, तो आप देखो प्लस माइनस रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की। साइन थीटा का दूसरा नाम हम कह सकते हैं साइन 18। लेकिन फिर एक छोटी सी बात दिमाग में आती है जो बहुत दिन पहले सिखाई थी, भाई 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फिर ये अगर ये भी माइनस ले लिया, ये भी माइनस ले लिया, तो ऊपर वाला क्या जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस से वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, हमें वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसलिए लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि साइन 18 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, देयरफोर हमने डिसाइड करा कि नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दो और रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर कर दो। ठीक है, तो साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर वैल्यू आ गई आपके पास में, और यही हमें फाइंड करना था। हमारे पास साइन 18 की वैल्यू है रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बनाया, जैसा हम अक्सर बनाते रहते हैं। हमारे पास ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 18, तो बचा हुआ हो गया 72। कोई परेशानी तो नहीं। साइन जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, तो पी की वैल्यू है रूट फाइव माइनस वन, एच की वैल्यू है फोर, ये हमें पता नहीं, लेट इट बी एक्स। समझ में आ गया सबको, ओके। यहाँ से देखते हैं, श्री पाइथागोरस जी ने सिखाया था कि रूट फाइव माइनस वन अर्थात पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है एच का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आप देखो ये 6 आया, टू रूट फाइव आया, प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, एक्स स्क्वायर गया तो 6 उधर जाके हो गया 10, ये माइनस का उधर जाके हो गया प्लस टू रूट फाइव। ध्यान देने की बात ये है, अगर साइन 18 की वैल्यू माइनस में थी तो एक्स की वैल्यू प्लस में आ रही है। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं, याद रखना। अब देखो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई, रूट में 10 प्लस टू रूट फाइव, तो हमारे पास एक्स आ चुका है रूट में 10 प्लस टू रूट फाइव। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, किसी को इस पूरे प्रोसीजर में अगर दिक्कत हुई है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब देखिए यहाँ तक आपके पास आ गया। अब इसी ट्रायंगल में मैंने कॉस 18 की वैल्यू के बारे में सोचा, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी हमारे पास है 10 प्लस टू रूट फाइव अपॉन में आया 4, कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू हमें पता थी। अब मैं चाहता हूँ 10 18 की वैल्यू आ जाए, और 10 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन बी, तो ये हो गया हमारे पास रूट फाइव माइनस वन अपॉन में 10 प्लस टू रूट फाइव। तो हमने ये 18 की तो सारी वैल्यूज निकाल ली, साइन 18 की हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगी हो, कॉस और 10 की मुश्किल लगी आपको, नहीं लगी। अब बारी आती है, चलो 18 खत्म हुआ, अब 72 को खत्म करते हैं। इस ट्राइंगल को मैंने घुमा के बना लिया, और अब की बार क्या किया, बेस में मैंने 72 का एंगल ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 18, ये तो 90 था, 90 है और 90 ही रहेगा। 18 के सामने क्या था, रूट फाइव माइनस वन, और 72 के सामने क्या था, रूट में 10 प्लस टू रूट फाइव, और ये आपके पास पहले भी 4 था और अब भी 4 है। यहां से मैं कहता हूँ साइन 72 की वैल्यू के बारे में, तो साइन 72 का मतलब हो गया पी अपॉन एच, पी आपके पास कितना है 10 प्लस टू रूट फाइव अपॉन में आया 4। फिर हम कहते हैं कॉस 72, कॉस 70 हो गया बी अपॉन एच, तो ये हो गया रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, और टेन 72 भी आपके सामने ही है, टेन 72 देखिए क्या हो गया, टेन 72 पी अपॉन बी से आ गया रूट में 10 प्लस टू रूट फाइव अपॉन में रूट फाइव माइनस का 1।
आई थिंक 72 भी कंप्लीट हो गया है, 90 की वैल्यू हमें पता है, बची है अब 36 और 54, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है मेरा फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है कॉस, पता है ना कॉस का, मैंने जब भी वक्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हमेशा हमने कॉस का सहारा लिया। आप देखो, हम एक बात जानते हैं, कॉस 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना? अब अगर मैं a की जगह 18 लिखूं तो साइन स्क्वायर 18 आया, अभी 18 करेंगे तो ये हो गया कॉस 36। आप देखो साइन 18 की वैल्यू याद है या नहीं, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर 2 आया। आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab अपॉन में आ गया 16, 2 से ये कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास 8, ठीक है। एलसीएम लिया तो 8 माइनस 5 माइनस 1 के साथ में 2 रूट 5 अपॉन में 8, 8 में से 6 गए, बचा 2 के साथ फिर से आ गया 2 अपॉन में 8 है, और वैल्यू किसकी निकल रही है, कॉस 36 की, 2 कॉमन लेके कैंसिल हुआ और ये आ गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस 36 की। अब देखो 18 की वैल्यू निकाल दी थी, 72 की सारी वैल्यूज निकाल दी थी, अब हम 36 की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। उस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि अगर यहाँ 36 लिख दूं तो आपके पास में ये बचेगा 54, और कॉस होता है बी अपॉन एच, तो b आपके पास में है रूट 5 प्लस 1 और ये आया 4। इसे सॉल्व करेंगे तो लेट इट बी y, और पाइथागोरस का प्रयोग करते हुए y स्क्वायर के साथ रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, तो ये बन गया y स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10 माइनस 2 रूट 5। मैंने ये आपसे कहा था जब एक वैल्यू आई थी माइनस में तो 10 वाली वैल्यू आई थी प्लस में, जब अब कॉस में वैल्यू आई है प्लस में तो वाई वाली वैल्यू आई है माइनस में, ऐसे आपको ये याद रहते हैं। साइन में रूट 5 माइनस 1 है तो कॉस में रूट 5 प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 10 माइनस 2 रूट 5 लिख सकते हैं, रूट में 10 माइनस 2 रूट 5। अभी कॉस आ चुका है तो साइन 36 की वैल्यू निकालनी बनती है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो ये आ गया 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें टेन 36 तो 10 की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन बी, तो ये आ गई 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में रूट 5 प्लस 1, तो आपके पास में 36 की भी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब इसी ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा घुमा के लिख लें तो यहाँ आ जाएगा 54, यहाँ आ जाएगा 36, ये 4 रहेगा और अब आ गया रूट 5 प्लस 1 के साथ में 10 माइनस 2 रूट 5, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू आप निकालना चाहेंगे आई थिंक साइन 54 की, तो साइन 54 किसके इक्वल हो जाएगा, पी अपॉन एच, तो ये बन गया रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। फिर आप चाहेंगे कॉस 54 निकाला जाए तो बन गया 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, और 10 54 की वैल्यू भी हो जाएगी रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट में 10 माइनस 2 रूट 5। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको सिर्फ साइन 18 की वैल्यू याद थी, आपने उससे एक ट्राइंगल बनाया तो 72 की सारी वैल्यू मिल गई, फिर आपने बस एक कॉस का फॉर्मूला लगाया था जिससे आपको 36 की वैल्यू मिल गई, फिर उसका ट्राइंगल बनाया, फिर ट्राइंगल को घुमा दिया तो सारी वैल्यू 54 की मिल गई। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास साइन 6, 42, 66 और 78 के प्रोडक्ट को हमें 1 अपॉन 16 प्रूव करना है। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसमें भी आंसर 1 अपॉन 16 था, उसमें हमने करा था शायद साइन 10, 20, 40 कुछ इस तरह से था, 20, 40, 60 और 80 थे, ठीक है। खैर वो ज़माना अलग था, अब थोड़ी बातें अलग हो रही हैं। हम एक काम करते हैं,
देखो हमें उसमें भी हमने दो को कंबाइन करा था। अब परेशानी है कि कंबाइन किस किस को करें, तो बहुत सावधानी से ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो इन दोनों का सम 72 है, डिफरेंस 60 है। तो हमें 60 की वैल्यू भी पता है और 72 की वैल्यू भी हमें पता है। अच्छा बाकी बचे ये दोनों, तो 42 और 78 मिलकर कितना हुआ, 36 70। अब देखो 120, तो 120 की वैल्यू भी पता है, और अगर माइनस करें तो 36। तो प्लस करने पर भी बढ़िया वैल्यू आ रही है, माइनस करने पर भी सही वैल्यू आ रही है, जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है। तो हमने क्या करा, इन्हें दो ब्रैकेट में डाल लिया, एक में लिखा हमने साइन 66 के साथ साइन 6, और दूसरे ब्रैकेट में हमने साइन 78 के साथ साइन 42 लिखा। हम ये बात अच्छे से जानते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो माइनस का 2 चाहिए, तो हमने क्या करा, यहां पर भी माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2 हो गए 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर लिया। बात वही है, अब ये बन गया माइनस का 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इधर है 1/4। ये हो गया साइन 2 साइन ए साइन बी, तो हो गया कॉस ए प्लस बी कितना आया 120, और माइनस में कॉस 36। आप देखिएगा कॉस 72 की वैल्यू अगर याद हो, √5 माइनस 1/4 है, और 60 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। और अगर कॉस 120 आपको याद हो, बहुत यूज करा था, और ये हो गया √5 प्लस 4/1/4। आप देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, और आपके पास आया यहां से देखते हैं पहले तो √5 प्लस 1, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका हम थोड़ा एलसीएम लेते हैं, कॉमन वगैरह नहीं लेते। तो आप देखिए यहां पर ये 4 आया और बन गया √5 माइनस 1 माइनस में 2, और यहां देखें तो आया 4, तो माइनस का 2 और माइनस का √5 माइनस में 1। तो आप देखिए फाइनली हमारे पास ये बनता जा रहा है 1/4, और ये 4 4 दो बार और है, तो इन्हें भी लिख दिया 4 के साथ 4, और ये बन गया √5 माइनस 3 के साथ माइनस का √5 और माइनस का 3, ठीक। अगर यहां से माइनस कॉमन लें तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे प्लस के। अब देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, हमारे पास है माइनस का 1/4, 4 और 4, और ये बन गया √5 का स्क्वायर 5 माइनस 9, तो फिर से आ गया माइनस का 4/4 में 4 4 और 4, 4 से गया 4, और माइनस माइनस प्लस, और आंसर आ गया 1/16। वर्कशीट नंबर 11 में दो आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, तो अगर हम इसे मैच करते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ मैच होती है, जहां पर ए की वैल्यू 48 और बी की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस बी के साथ कॉस ए माइनस बी। आप देखिए 48 और 12 मिलकर तो हो गए कॉस 60, और ये आ गया कॉस 36। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 36 की वैल्यू होती थी √5 प्लस 1/4, तो फाइनली आंसर आ गया √5 प्लस 1/8, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 क्वेश्चन में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसे अगर हम ए और बी के अकॉर्डिंग लें तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, ठीक है। आप देखिए ये बन गया हमारे पास साइन 30 के साथ साइन 18,
वैल्यूज आपको ही याद रखनी पड़ेंगी, मेरे याद रखने से आपको एग्जाम में याद नहीं आएंगी। और आंसर आ गया हमारे पास, देखो इसमें गलत लिखा हुआ है, शायद 8 है वो, तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8 आ गया। सही में आ गया, ठीक है, हाँ सही कर लो उसे, हाँ 8 ही है ना, हाँ उसे सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे पास है साइन पाई बाय 10 और साइन 13 पाई बाय 10। देखो पाई में अगर कोई एंगल आए तो वैसे ही हमें कम पसंद है अभी भी, तो हमने क्या करा इसे डिग्री में कन्वर्ट करा, तो पाई बाय 10 इंटू करेंगे 180 बाय पाई। यहाँ देखा तो आ गया साइन 13 बाय 10 पाई के साथ 180 बाय पाई से गया पाई कैंसिल, तो आ गया आपके पास अब साइन 18 डिग्री, और 13 और 18 की मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाता है 18 थीजा 54 और 18 वंजा 18, ठीक है, और 5 234 हमारे पास आ गया। अब देखो 18 तो चलो ओके वैल्यू भी पता है, पर ये 234 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास एक मेथड भी तो है, कौन से क्वाड्रेंट का है ये, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखते हैं, 180 प्लस थीटा। अच्छा साइन है वैसे तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि एरिया है 10 का, तो ये बन गया मेरे पास 180 प्लस 54, ठीक है, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो बन गया आपके पास साइन 54। अब देखो साइन 54 की या तो आपको वैल्यू याद हो, और अगर नहीं याद है तो एक और तरीका है आपके पास। देखिए साइन 18 है ये तो बढ़िया, आप देखो इसे लिख सकते हो 90 माइनस 36, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपको ये बात बताई थी मैंने, कॉस की बढ़िया वाली वैल्यू होती है 36 में, और साइन की बढ़िया वाली वैल्यू होती है 18 में, और दोनों ही अच्छी हो चुकी हैं वैल्यू, और ये हो गया है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, और यहाँ आ गया रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पर ये 4 आ रहा है, और साथ में रूट 5 माइनस 1 माइनस का रूट 5 माइनस 1 आ रहा है, और ये बन गया माइनस का 2 अपॉन 4, और फाइनली आंसर आ गया माइनस 1 बाय 2। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास साइन पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5 को हमें 5 बाय 16 के इक्वल लाना है, ठीक है। एक तो पहली बात, हमें पाई वाले एंगल कुछ कम पसंद है, डिग्री में होते तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हैं, तो इन सबको मैंने डिग्री में कन्वर्ट करा, तो हमारे पास आया साइन 36, यहाँ आ गया साइन 72, ठीक है, 3 पाई से आ जाएगा 108, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 144। अब एक बात है, 36 की वैल्यू तो हमें पता है, 72 की भी पता ही है लिखवाई हुई, पर 108 और 144 तो पहली बार ही हमारे पास आए हैं, लेकिन हम ये बात तो जानते हैं कि ये दोनों ही एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट के हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को लिखते हो 180 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 36 साइन 72, और इसे लिखा हमने 180 माइनस 72, और यहाँ आ गया 180 माइनस 36, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट है खुद साइन का एरिया है, और ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो अब ये बन गया हमारे पास साइन 36 साइन 72। अच्छा 72 के बारे में भी मेरे मन में कुछ आ रहा है वैसे, कि क्यों ना ट्राई करके इसे देखा जाए, अगर 72 याद नहीं है तो 18 और 36 तो सबकी याद है ना, तो हमने इसे लिखा 90 माइनस 18, और ये आ गया हमारे पास साइन 72, इसे भी हमने लिख दिया 90 माइनस 18, और ये आ गया हमारे पास साइन 36, ठीक है, नो चेंज कैटेगरी। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, पहले से ही है हमारे पास साइन
36, यहाँ पर है हमारे पास साइन से फिर आ गया कॉस 18, और एक पहले से ही है साइन का 36, साइन 36 मिलकर हो गया साइन स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर 18। देखो ये याद होना चाहिए, साइन की 18 की वैल्यू छोटी होती है, 36 की बड़ी वाली होती है। बड़ी वाली कौन सी होती है, 10 माइनस 10 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। हाँ देखो साइन 18 में अगर माइनस आ रहा है तो 36 में प्लस आएगा, क्रॉस चलते हैं। जैसे कॉस 36 जो है वो आसान वैल्यू है रूट 5 प्लस 1, तो कॉस में अगर प्लस आ रहा है 36 में तो उसके 18 में माइनस आएगा, ये क्रॉस में रहते हैं। तो इससे आपको साइन में कोई गड़बड़ नहीं होगी प्लस माइनस को ध्यान करने में। तो ये आया हमारे पास 10 माइनस प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। फिर आ गया हमारे पास 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 16, यहाँ आ गया 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 16। ए प्लस बी ए माइनस बी से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना आया 100 माइनस 5 4 20 अपॉन में आ गया 16 इंटू 16, तो ये बन गया 80 अपॉन 16 इंटू 16, और 16 से कैंसिल करा तो फाइनली आंसर क्या आया 5/16। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना है। आप देखो हमें पहले ही रेडियन के एंगल थोड़े कम पसंद से हैं, तो हम इन्हें कन्वर्ट किस में करेंगे, डिग्री में। तो ये आ गया 1 प्लस cos 18 degree, ये तो बढ़िया है, 18 की वैल्यू मालूम है। अब आ गया 1 प्लस cos 54 degree, क्योंकि 18 3 जा हो गया ना, फिर 18 7 जा कितने होते हैं 1 प्लस cos 126, और फिर 9 जा देखेंगे तो 18 9 जा कितने होते हैं 162, ठीक है। आपके पास ये चार वैल्यू आ गई, डिग्री में आ गई। डिग्री में हमें अब देखो दो तो हमारे लिए आसान है, 54 वाली भी और 18 वाली। वैसे 54 भी इतनी अच्छी तो नहीं लगती, हमारे लिए बेस्ट है एक तो 18 और दूसरा 36, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे 1/1 धीरे धीरे ध्यान से। देखिए अब हमारे पास है 1 प्लस cos 18, इसे तो हम कुछ नहीं कहते, ठीक है। यहाँ देखें तो ये जो 54 है इसे लिखा 90 माइनस 36, ठीक है। अब ये आया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, आज सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को वैसे हम 180 माइनस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। चलो 180 से करा देते हैं, नया हो जाएगा, वरना ये 90 प्लस 36 से भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं। 180 माइनस आ गया 54, और ये आ गया आपके पास 180 माइनस 18, सही है। आप देखिए ये हमारे पास है 1 प्लस cos 18, ठीक, और ये cos से आ जाएगा sin, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस, अच्छा देखो क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, कॉस का एरिया तो नहीं है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और ये कुछ होता नहीं है तो बन गया कॉस 54, और वो भी देखो कॉस का एरिया नहीं है इसलिए माइनस में आ गया कॉस 18, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 प्लस cos 18 1 माइनस cos 18 क्या बन गया 1 माइनस cos² 18, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो इसे भी सही कर लेते हैं। हमें तो 54 चाहिए ही नहीं, हमें अच्छा लगता है 36, तो ये बन गया 1 माइनस cos 90 माइनस 36। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस sin 36, 1 प्लस sin 36, और एक इंटरेस्टिंग चीज 1 माइनस cos² क्या होता है साइन स्क्वायर। देखो कितनी मदद करी ईश्वर ने, कॉस की 18 अच्छी नहीं लगती, उन्होंने अपने आप ही साइन में 18 में कन्वर्ट कर दिया। अभी a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
और पहले से ही आपके पास साइन स्क्वायर 18, तो ये है साइन स्क्वायर 18, वो बन गया कॉस स्क्वायर 36। यही हमें अच्छे लगते हैं, साइन की 18 और कॉस में 36। साइन 18 की वैल्यू कितनी है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये हो गया रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 5 प्लस 1 माइनस का 2 रूट 5, ठीक है, यहाँ से आया 5 प्लस 1 प्लस का 2 रूट 5, अपॉन में आ रहा है 16 और 16, तो यहाँ से देखो 6 माइनस 2 रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5, मिलकर हो गया 36 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 16 इंटू 16, और ये हो गया 16 अपॉन 16 इंटू 16, से कैंसिल हुआ और फाइनली आंसर आ गया 1 अपॉन 16। आपके सामने ये दो आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, कुछ स्कूल्स इन्हें डायरेक्ट अप्लाई करने की परमिशन देते हैं, कुछ स्कूल्स इन्हें डायरेक्ट अप्लाई करने की परमिशन नहीं देते। जो डायरेक्ट अप्लाई करने की परमिशन देते हैं वो तो आप इन्हें यूज कर ही लेना, जो नहीं देते उन्हें क्या करना है वो ध्यान से समझना, ठीक है। आप देखिए, मैं सबसे पहले वाले की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में आपसे कह रहा हूँ, जो हमारे पास है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको एक बात पता होगी कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ कॉस का। आप देखो ये कॉस स्क्वायर है, जबकि मेरे पास कॉस स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा और हमने इसे 2 से डिवाइड करा। आप देखिए, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ इन फॉर्मूलों का, तो 2 कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल है हमारे पास, 1 प्लस कॉस 2a, और ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2b, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 2b, माइनस 1 से प्लस 1 चला गया। अब देखो ये क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन 2 के साथ कॉस 2a प्लस कॉस 2b। कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूँ, वर्कशीट नंबर 7 एक्स्ट्रा करके बताई थी, जिसमें बताते थे हम 2 कॉस 2a प्लस 2b अपॉन 2 और कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, कॉस a प्लस बी और आ गया कॉस a माइनस बी, सही में आ गया, प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड है हमारे पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो साइन स्क्वायर है तो इसे भी हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर a और 2 साइन स्क्वायर बी, बाहर किससे डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 2 आ गया, तो अब बन गया ये 1 माइनस कॉस 2a और ये बन गया 1 माइनस कॉस 2b, ठीक है, और यहाँ से आता है 1 माइनस कॉस 2a और आ गया कॉस 2b, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आया कॉस 2b माइनस कॉस 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ या वहाँ से ही ले लेता तो ये आ जाता कॉस 2a माइनस का कॉस 2b, अगर मैं वहाँ से माइनस कॉमन ले लेता। आप देखो कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 और साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस आ गया और हमारे पास देखो बन क्या गया, साइन a प्लस बी के साथ साइन a माइनस बी,